हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम साउथ एशिया के मानसून पर डिस्कशन कर रहे थे और इसमें हमने पिछले वीडियोस में देखा कि किस प्रकार सर एडमंड हेली ने थर्मल कॉन्सेप्ट में भारतीय मानसून के विकास को बताया। इसके बाद हमने देखा कि एसप्लोन ने अपनी डायनेमिक थ्योरी के अंदर ITCZ को इम्पोर्टेंस देते हुए भारतीय मानसून और पूरे एशिया के मानसून के विकास को किस प्रकार बताया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो तिब्बत का पठार है वो भारतीय मानसून या दक्षिण एशिया के मानसून के विकास में क्या भूमिका अदा करता है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा रोल ऑफ तिब्बतन प्लेटू इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मानसून। तो देखिए, सबसे पहले बात करें जो तिब्बत के पठार का मानसून है, इसका जो रोल है इसके बारे में बताने वाले हमारे भारत के एक मेट्रोलॉजिस्ट थे, एक भारत के मौसम विज्ञानी थे, जिनका नाम था पी कोटेश्वरम थे और इनके साथ में पी आर कृष्णन और पी कोटेश्वरम, इन्होंने 1952 में भारतीय जो मानसून है इस पर तिब्बत के पठार की भूमिका के ऊपर अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 1958 में वर्ल्ड के जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, जितने भी मौसम विज्ञानी हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस कॉन्फ्रेंस में अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया और इसके बाद 1958 में इनकी जो थ्योरी थी वो पब्लिश हुई थी। यानी 1952 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने ईस्टर्ली जो जेट हैं, जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट हैं, इस ईस्टर्ली जेट को खोजा था। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी पूर्वी जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह है, इसको पी कोटेश्वरम और पी आर कृष्णन की थ्योरी जो है इसमें ही पता चली थी। ठीक है, तो अब देखिए, हम बात कर रहे हैं तिब्बत के पठार की। तिब्बत का पठार कहाँ है? तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर में है और हिमालय के उत्तर में लगभग 4000 मीटर की औसत ऊंचाई वाला एक बहुत बड़ा पठारी क्षेत्र है, जो लगभग 45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? लगभग ये 45 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 4000 मीटर की औसत ऊंचाई पर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जो तिब्बत का पठार है यहां पर क्या क्या दशाएं उत्पन्न हो रही हैं, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं कि यहां पर देखिए, जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट होती है, जो सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट प्रवाह है, जो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर बनती है, और कहां पे बनती है हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, ये हेडली सेल और फेरस सेल के जहां पर मिलती है वहां पर अपर एटमॉस्फेयर में, यानी क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर ये बनती है। ठीक है, तो ये जो सबट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, सबट्रॉपिकल वेस्टर्ली जो जेट है, ये सबट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जो है वो शीत ऋतु में, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है, तो विंटर सीजन में ये लगभग दक्षिण की ओर खिसक के 20 डिग्री तक का क्षेत्र कवर कर लेती है। 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक का जो क्षेत्र है वहां तक ये प्रवाहित हो रही होती है। और ये कैसी कौने होती हैं? ये भूविक्षेपी जियोस्ट्रॉपिक विंड होती हैं, इसके अलावा रॉसबी वेव्स होती हैं, और ये सर्पिलाकार होती हैं, सर्पिलाकार रूप में चलती हैं ये। ठीक है, तो ये जो सबट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, ये विंटर सीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर सीजन होगा तो लगभग 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, यानी हम कहें कि जो तिब्बत का पठार और हिमालय है उसके दक्षिण में ये बह रही होती है। ठीक है, और इसकी कुछ मात्रा जो है वो यहां पर हिमालय और तिब्बत के पठार के अवरोध के कारण ये कुछ मात्रा इसकी तिब्बत के पठार और हिमालय से उत्तर में होती है और कुछ दक्षिण में चल रही होती है। ठीक है, ये जो डॉट में हमने देखा है ये है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट इन विंटर सीजन। ठीक है, अब देखिए, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर सीजन होगा, जब यहां पर
समर सीजन आएगा तो आप बताइए, अब समर सीजन में हमने पहले भी कई बार डिस्कशन किया है कि सूर्य क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सूर्य जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा तो यहां पर क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य तप जो है वो अधिक मिलेगा, इंसोलेशन अधिक मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सारी की सारी जो प्रेशर बेल्ट है वो प्रेशर बेल्ट कहां होती है, नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्थ में जब सारी प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होती है तो इनके साथ साथ ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट भी अब उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाती है क्योंकि जब हेडली सेल और फेरल सेल ही उत्तर में शिफ्ट हो गई हैं तो ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट भी उत्तर में चली जाएगी। अब ये जो समर सीजन है, इस समर सीजन में ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट हिमालय और तिब्बत के पठार के उत्तर में बह रही है, ये देखिए। ठीक है, जो इस पोजीशन में थी विंटर में, ये समर में अब हिमालय और तिब्बत के उत्तर में चली गई है। पहली कंडीशन तो यहां पर ये हो रही है। अब देखिए, जब ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट जब विंटर में यहां पर प्रवाहित हो रही थी तो ये क्या कर रही थी, यहां से जो भी पवने ऊपर उठेंगी धरातल से, उन धरातल से उठने वाली पवनों को ऊपर से ये प्रवाहित हो रही है ऊपरी क्षोभ मंडल में। अब यहां से जब पवने जाएंगी तो इनको ऊपर नहीं उठने देती थी, इस वजह से इस पूरे क्षेत्र में एक हाई प्रेशर बना रहता था, लो प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा था। और ये कब हो रहा था, विंटर सीजन में। अब जैसे जैसे अप्रैल मई का मंथ आने लगता है, ये जो पवन है, जो ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट है, ये नॉर्थ में शिफ्ट हो रही है। अब नॉर्थ में शिफ्ट हो रही है तो इसकी वजह से क्या होगा, एक तो यहां पर पहले से ही समर सीजन है, सूर्य जो है, इस सूर्य की किरणें यहां पर आ रही हैं। ठीक है, सूर्य की किरणें यहां पर सीधे आ रही हैं इस पूरे रीजन में, ऊपर से ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट यहां से हट गई है तो अब इस पूरे क्षेत्र पर क्या हो सकता है, निम्न दाब का विकास हो सकता है, पूरे क्षेत्र को इंसोलेशन अच्छे से मिल रहा है तो यहाँ की वायु ऊपर उठने के लिए फ्री है। अब ऊपर कोई भी लेयर नहीं है जो पहले सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट बना रखी थी। अब क्या होता है, जो तिब्बत का पठार है ये इतना विशाल क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, कि ये अपने आसपास के क्षेत्र से गर्म तो ये पूरा ही क्षेत्र होगा मगर ये आसपास के क्षेत्र से लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, कौन सा, तिब्बत का पठार, किसने बताया, पी कोटेशन ने। तो ये तिब्बत का पठार जब 2 से 3 डिग्री ज्यादा गर्म होगा तो अब यहां क्या होगा, अब यहां जब ज्यादा हीट होगी तो हीट होने की वजह से क्या होता है, हीट होने से जो वेव, जो भी वायु है, एयर जो है, वो धरातल के संपर्क में जब आएगी तो धरातल के संपर्क में आने से वो गर्म होगी, गर्म होकर के वो क्या होगी, फैलेगी और हल्की होगी और हल्की होके ऊपर उठती है। तो इस वजह से यहां पर जब ये विंड, यहां पर पूरी एयर ऊपर उठ गई है तो दोस्तों तिब्बत के पठार पर, सरफेस पे बात कर रहे हैं हम, तिब्बत के पठार की सरफेस पर यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहां पर लो प्रेशर, ये क्या है, तिब्बत का पठार, ये पूरी जो एयर है ये कहां चली गई है, ऊपर शिफ्ट हो गई है तो ये अपर एटमॉस्फेयर की ओर चली गई है, क्षोभ सीमा की ओर चली गई है और यहां से ये कन्वेक्शनल वेव ऊपर जाने से लो प्रेशर जो है कहां क्रिएट हो गया, तिब्बत के पठार पर। ठीक है, अब अपर एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, अपर क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर क्या हो रहा है कि ये पवने जब ऊपर चली गई हैं तो ऊपर जाने के बाद जब 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, या कहें हम लगभग क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर, कितने, लगभग 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहां पर एक हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो गया है। सारी वायु कहां चली गई है, उत्तर में चली, ऊपर चली गई है और ऊपर जाने के बाद जब एक साथ बहुत ज्यादा वायु इकट्ठी हो गई है तो यहां पर एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है अपर एटमॉस्फेयर में और तिब्बत के पठार के ऊपर ऊंचाई पर। ठीक है, अब दोस्तों ये हाई प्रेशर जो क्रिएट हुआ है ऊपर, ये हाई प्रेशर जो है वो एक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप करता है अपर एटमॉस्फेयर में, क्योंकि प्रति चक्रवात जो है उसके अंदर हमेशा क्या होता है, हाई प्रेशर होता है केंद्र में और इससे जब हम परिधि की ओर आते हैं तो प्रेशर लो होता जाता है, यानी परिधि की साइड में लो प्रेशर होता है, यही होता है एंटी साइक्लोन। और ये एंटी साइक्लोन जो है वो अब यहां पर क्या है कि ये जो पवने ऊपर उठ रही हैं, इनके उत्तर से, इधर से तो आ रही है सबट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट आ रही है। ठीक है, और ये पवने जो है वो
कोरियोलिस बल के प्रभाव में, जो कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न हो रहा है, इसके प्रभाव में अब ये पवने जो है वो प्रति चक्रवातीय रूप से अपने दाईं ओर मुड़ते हुए एक एंटी साइक्लोनिक मैनर में इस हाई प्रेशर के चारों ओर घूमने लगती हैं। ठीक है, कौन सी? जो अपर एटमॉस्फेयर में बन रही है। तो इस अपर एटमॉस्फेयर में जो ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है, इसका कारण है कोरियोलिस बल और साथ में यहां से आने वाली ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट भी आ रही है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों कि ये कोरियोलिस बल के प्रभाव में जब ये पृथ्वी चक्रवाती रूप से घूमती है तो घूमते हुए इसमें से वायु जो है वो दो भागों में बट जाती है। एक जो वायु है राशि है वो तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट के रूप में साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चली जाती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट के रूप में चली जाएगी। ठीक है, और जो दूसरा जो भाग है इसका वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट को उत्पन्न करता है। तो उष्ण कटिबंधीय जो पूर्वी जेट प्रवाह है ये उत्पन्न हो रहा है अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन की वजह से। और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन उत्तरी गोलार्ध में कैसे होता है? हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है। तो ये जब यूं घूम रही है तो घूमते हुए यहां से ये निकल के आ गई है दोस्तों ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट या उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह तिब्बत के पठार पर जो तापीय दशाएं उत्पन्न हुई है उसके कारण ऊपरी क्षोभ मंडल में उत्पन्न हुई है। ठीक है, ट्रोपोपोज पर हुई है। अब ट्रोपोस्फेयर के अपर लेयर ट्रोपोपोज के आसपास ये विकसित हो रही है और लगभग 9 से 12 किलोमीटर के क्षेत्र में ये विकसित हो रही है। अब हम ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट के ऊपर भी कुछ बातें, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। दोस्तों जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है ये पहली बात तो 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इसके विस्तार की, अगर बात करें तो ये यहां पर क्या है, ईस्ट एशिया है। तो एशिया जो है चाइना के पूर्वी तट से लेकर के और लगभग अफ्रीका के पश्चिमी तट तक इसका विस्तार होता है। ठीक है, इस पूरी चौड़ाई में ये लगभग प्रवाहित होती है, पहली बात। दूसरा, ये जो सबसे स्ट्रांगली जो फ्लो कर रही है, ठीक है, इसका अगर हम देखें कि सबसे स्ट्रांग ये किस रीजन में फ्लो करती है तो इसका सबसे स्ट्रांग जो रीजन होता है वो होता है हमारे यहाँ पर, क्या है, यहाँ पर टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला के टिप से लेकर और लगभग अगर हम बात करें तो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच इसका एक्सिस लाई करता है। तो इसका अगर हम एक्सिस की बात करें तो इसका एक्सिस होता है टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला की सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला टू 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यहां के बीच इसका एक्सिस रहता है। यानी ये एक्सिस ऐसे है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है। ठीक है दोस्तों, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से इसके बीच, इसमें भी ये सबसे ज्यादा प्रभावी जो रहती है वो 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर रहती है। कितने पर? 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर रहती है। और अगर इसकी चौड़ाई की हम बात करें कि जहां ये सबसे ज्यादा स्ट्रांगली फ्लो करती है तो ये फ्लो करती है 50 डिग्री टू 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर, 50 डिग्री से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच ये जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, 50 डिग्री से 80 डिग्री बीच, और भारत में जो मेन टाइम लेते हैं कितना लेते हैं, 82.5 डिग्री का। तो 50 डिग्री से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में ये तेजी से बह रही है और यहां पर इसकी स्पीड जो है वो लगभग 100 नॉट की स्पीड से बह रही है। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रांग ईस्टर्ली जेट है जो कि इस एक्सिस के साथ जो है पूरे दक्षिण एशिया पर बहुत तेजी से प्रवाहित हो रही है। हालांकि इसका प्रभाव पूरे एशिया रीजन में है, ठीक है, यहां पर ईस्ट एशिया के तट से और अफ्रीका तक है, मगर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो दक्षिण एशिया में होता है। अब ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है ये कहां चल रही है? अपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तिब्बत का पठार है, यहां पर उष्मा मिली, ऊपर उठी, हाई प्रेशर से एक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप हुई और उससे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्टार्ट हो गई। अब ये दोस्तों जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो है, इस ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट की भारतीय
और ये जो दक्षिण एशिया की जो भूमि है इस पर भी एक प्रभाव पड़ता है। इस पर क्या प्रभाव पड़ता है कि अब इस पूरे रीजन में क्या है, गर्मी है। तो गर्मी है तो मैंने बताया कि इस पूरे रीजन में लो प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां से ट्रॉपिकल जो सब ट्रॉपिकल जो वेस्टर्ली जेट थी वो भी उत्तर में शिफ्ट हो गई और इस पूरे रीजन पर सूर्य का ताप अधिकतम मिल रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि यहां पर जो जिस तरीके से हमें तिब्बत के पठार पर कन्वेक्शनल वेव्स मिल रही थी कि यहां से वायु ऊपर उठ रही थी, वैसे इस पूरे रीजन से वायु ऊपर उठ रही होगी, तभी तो यहां पर एक लो प्रेशर का क्षेत्र बन रहा होगा। अब ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है, जब ये उठती हुई वायु के जो है उस वो इसके संपर्क में आएगी, यहां धरातल है, धरातल से वायु उठकर ऊपर आ गई। अब ऊपर आने के बाद जब ट्रॉपिकल जो ईस्टर्ली जेट जो चल रही है, ये पूर्वी जेट प्रवाह के साथ साथ यहाँ की सारी जितना भी एयर है उस एयर को ये खींच के दक्षिण की ओर लाएगी। और इस प्रकार यहां पर इस पूरे क्षेत्र में अगर हम देखें तो इस पूरे क्षेत्र में एक लो प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है इसके प्रभाव में पूरे दक्षिण एशिया पर एक लो प्रेशर क्रिएट होने लगा। अब ये क्या करेगी, यहां से ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो है दोस्तों, ये पूरा एयर लेके और फिर ये चलेगी, यहां पर डायरेक्शन इसकी होती है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, जबकि हमने सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जो यहां से निकल रही है इसकी डायरेक्शन हो गई है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब ये इक्वेटर की तरफ आ रही है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और इक्वेटर की तरफ आकर के ये पूरे एयर मास को खींच के लाके और डिसेंड करेगी, और डिसेंड कहां करेगी, अरब सागर में। ये देखिए, अब ये अरेबियन सी में आएगी, अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट आकर के और कहां आ रही है, अरेबियन सी पर डिसेंड कर रही है। अब अरेबियन सी जो है वो कंपैरेटिवली पहले से ही ठंडा है, लैंड भाग तो ज्यादा है गर्म, जबकि यहां पे क्या है, ठंडा है। तो यहां पर देखिए, अब ये यहां पर और स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर क्रिएट कर देगी। ठीक है, अरब सागर पे इस रीजन में जब ये आएगी तो यहां आ रही है, ये रेड में जो दिख रहा है हमें, ये क्या है, अपर एयर सर्कुलेशन है। अपर एयर सर्कुलेशन आया और आकर के यहां आकर के इसने अपर एटमॉस्फेयर में, तो यहां क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि सारी पवने नीचे शिफ्ट हो जाएंगी और नीचे अवतलित होंगी, नीचे डिसेंड करती हुई जो एयर है ये क्या है, ये है डिसेंडिंग एयर, ये नीचे डिसेंड करेगी और ये क्या है, असेंडिंग एयर, ऊपर उठती हुई एयर है। तो ऊपर उठ कहां से रही है, तिब्बत के पठार से, नीचे आके कहां बैठ रही है, अरेबियन सी में ये नीचे अवतलित हो रही है, डिसेंड कर रही है। जब अरेबियन सी पर यहां हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है और तिब्बत के पठार पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया है और इस पूरे क्षेत्र में भारत के ऊपर और दक्षिण एशिया के इस पूरे रीजन में लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, तो अब यहां से क्या होगा, अब यहां से हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की ओर ये हमारा धरातल के ऊपर से जो धरातलीय जो पवने हैं ये चलने लगेंगी और इसे ही दोस्तों बोला जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, इसे साउथ वेस्ट मॉनसून बोला जाता है। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अरेबियन सी से तिब्बत के पठार, ये क्या है, अरेबियन सी और ये तिब्बत के पठार। तो धरातल पर अरेबियन सी पर हाई प्रेशर है, तिब्बत के पठार पर लो प्रेशर है और इस पूरे रीजन में यहां से आप देख सकते हैं ये चल रही है साउथ वेस्ट मानसून। ये साउथ वेस्ट मानसून जो है वो चलेगा। अब ये साउथ वेस्ट मानसून कहां से आ रहा है, अरब सागर से। तो अरब सागर से जो वायु आएगी उसमें आर्द्रता होगी, ह्यूमिडिटी होगी, और आर्द्रता होगी तो ये क्या करेगी, इस क्षेत्र में पूरे में जाकर के अंदर जाके संघनन करेगी, वर्षण करेगी, और इसलिए पूरे दक्षिण एशिया को इस साउथ वेस्ट मानसून से बारिश मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो ईस्टर्ली जेट जो थी इसकी उत्पत्ति को हमको पी कोटेश्वरम ने बताया था। ठीक है, तो पी कोटेश्वरम की एक बहुत बड़ी रिसर्च मानी जाती है ईस्टर्ली जेट को खोजना। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, यहां से जब ये जा रही है, ये पवन जब इधर से जा रही है तो अब ये यहां से जा करके वापस कहां पहुंचेगी, तिब्बत के पठार पर। ठीक है, अब आ गई है तिब्बत के पठार पर आ गई है। अब जब ये तिब्बत के पठार तक आएगी तो आप देखिए पूरे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पूरे में वर्षा करती हुई आ रही है।
अब जब इतनी वर्षा कर चुकी होगी कि यहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी जो आर्द्रता है उसका लॉस हो चुका होगा, इसके अंदर आर्द्रता की मात्रा कम हो जाएगी। जब आर्द्रता कम हो जाएगी तो ये यहां जब पहुंचेगी तिब्बत के पठार तक जब पहुंचेगी तो यहां पहुंचते पहुंचते ये शुष्क पवने हो चुकी होंगी। ठीक है, अब ये यहां आते आते कैसी हो गई हैं, ये हो गई हैं ड्राई एंड वार्म। ठीक है, शुष्क और गर्म पवने हो गई हैं। अब ये तिब्बत के पठार को और ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट करने में मदद करेंगी, क्योंकि ये कैसी हैं, ड्राई है और वार्म है, और गर्म पवने जब इस क्षेत्र में आएंगी तो तिब्बत के पठार का तापमान और ज्यादा बढ़ेगा, जब और ज्यादा बढ़ेगा तो यहां पर और तेज लो प्रेशर क्रिएट होगा, बिकॉज हाई टेम्परेचर जहां होगा वहां लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो तिब्बत का पठार का प्रेशर लो, जो लो प्रेशर है वो और ज्यादा होगा। अब जब तिब्बत का पठार पे फिर से लो प्रेशर होगा तो ये और तेजी से क्या होगी, यहां से वायु ऊपर उठेगी, और ऊपर उठने की वजह से ये ट्रॉपिकल जो ईस्टर्ली जेट है ये और ज्यादा स्ट्रांगली फ्लो करेगी। ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट और ज्यादा स्ट्रांगली फ्लो करेगी, और इसकी वजह से दक्षिण एशिया में जब हम बिल्कुल इन अरेबियन सी पर पहुंचेंगे तो यहां पर तेजी से जब ये डिसेंड करेंगे तो फिर से हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी। तो इस तरीके से एक पूरा साइकिल चलता है समर सीजन में, एक पूरा साइकिल चलता है, और इसकी वजह से दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो स्ट्रांगली इंडिया में आता है, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसके ऊपर भारतीय जो भारतीय जलवायु है, जो भारत की कृषि है, ये पूरी तरह से डिपेंड होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था तिब्बत के पठार का रोल। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, अब जब तिब्बत का पठार पर इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है तो इसका फायदा तो हमें मिल गया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून आएगा, बट इसके कुछ हमें नुकसान भी होंगे। ठीक है, इसकी डिमेरिट्स क्या होंगी, डिमेरिट्स ये होंगी कि यहां पर बहुत ज्यादा जब गर्मी होगी तो हिमालय और तिब्बत के आसपास की जो बर्फ है, जो यहां पर बर्फ सर्दी के दिनों में जमी हुई थी, वो तेजी से पिघलने लगेगी, ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगेंगे, और जब ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं तो क्या होता है, ग्लेशियर के पिघलने से यहां पर बहुत ज्यादा समुद्र जो है उसका सागर का जो जल स्तर है वो बढ़ने लगता है, वाटर लेवल बढ़ने लगता है, और ये भी एक नुकसान ही है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, अब देखो यहां पर जब इस समर सीजन में है, समर सीजन में ये पूरी पवने चल रही हैं और ये दक्षिण पश्चिमी मानसून चल रहा है। अब समर सीजन की शुरुआती स्थिति और उसके बाद की स्थिति की अगर हम बात करें तो इस ईस्टर्ली जेट का एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्री मानसून वर्षा में भी होता है। ठीक है, प्री मानसून बारिश में क्या रोल प्ले करती है कि मानसून जब हमारे जून जुलाई के मंथ में, जुलाई से सितंबर में मानसून का ओरिजिनल टाइम माना जाता है, अब ये जून से पहले जब ये फ्लो करने लगेगी, जो ईस्टर्ली जेट है वो स्ट्रांग होने से पहले क्या होगा, ये ईस्टर्ली जेट मानसून यहां से जब मानसून की ओर उठाएगी, उससे पहले ये किधर से आ रही है, ये आ रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टू और साउथ वेस्ट में। जब ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट में आती है तो ये कहां से गुजरेगी, ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी के ऊपर से भी गुजरती है। ठीक है, यहां से आती है बंगाल की खाड़ी के ऊपर से भी ऐसे गुजरते हुए आएगी, ये इसका प्रभाव तो पूरे क्षेत्र में ही है। तो जब बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से आती है तो ये क्या करती है कि यहां से अपने साथ साथ थोड़ी एयर जो है उसको लाती है, और एयर जो लाती है अपने साथ साथ जो धरातलीय पवनों को अपने साथ खींच के लाती है, वो क्या करती है यहां पर बंगाल की खाड़ी से क्या कर लेती है, यहां बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प उठा लेती हैं, आर्द्रता ले लेती हैं, और इसकी वजह से इस रीजन में, इस क्षेत्र में जो है वो प्री मानसून बारिश होती है। ठीक है दोस्तों, प्री मानसून वर्षा होती है, साथ में बंगाल की खाड़ी में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं ये भी इसी कारण आते हैं। ठीक है, तो प्री मानसून बारिश में, और इसके अलावा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इनमें भी नॉर्थ ईस्ट से आने वाली इस हमारी ईस्टर्ली ट्रॉपिकल जो जेट है इसका रोल होता है। ठीक है दोस्तों, अब जब बारिश समाप्त हो गई है उसके बाद की दशा देखें कि समर सीजन एंड हो गया है, समर सीजन एंड होने के बाद क्या होगा, वापस विंटर सीजन आएगा। ठीक है, अब विंटर सीजन आने पर क्या होगा, सूर्य किधर चला जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में इस तरफ सूर्य आ जाएगा,
और सदर्न हेमिस्फीयर में जब सन की पोजीशन होगी तो उससे क्या होगा, सारी की सारी प्रेशर बेल्ट दक्षिण में शिफ्ट होने लगेंगी। जब प्रेशर बेल्ट दक्षिण में शिफ्ट होने लगेंगी तो अब जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जो है वो हिमालय और तिब्बत के पठार के उत्तर में चली गई थी वो वापस दक्षिण में आने लगेगी। साथ साथ जब पूरा का पूरा सूर्य की जो किरणें हैं वो जब दक्षिण में ज्यादा जाने लगेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में क्या आ जाएगा, विंटर सीजन आ जाएगा। और विंटर सीजन आने की वजह से इस पूरे क्षेत्र पर वापस हाई प्रेशर क्रिएट होने लगेगा और तिब्बत का पठार और हिमालय का जो क्षेत्र है ये बर्फ से ढक जाएगा, यहाँ पर स्नोफॉल होगा। और स्नोफॉल होगा तो सरफेस कैसी होगी, ठंडी होगी। जब सरफेस ठंडी होगी तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर जो है वो हाई बन जाएगा, कहाँ पर, सरफेस पर हाई प्रेशर बन जाएगा और धीरे धीरे ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है वो समाप्त हो जाएगी। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो है वो जुलाई से सितंबर के मध्य ही सबसे ज्यादा प्रभावी होती है और ये सिर्फ समर सीजन में, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है तब ही चलती है, ठीक है। और इसके वजह से हमारे दक्षिण पश्चिमी मानसून की इन्होंने पी कोटेश्वरम ने उत्पत्ति को बताया था, ठीक है दोस्तों। ये हमने तिब्बत के पठार पर इसकी पूरी तिब्बत के पठार के रोल को इसमें देख लिया है कि क्या इसका रोल है। अब यहां पर अगर इस बात को, पी कोटेश्वरम की बात को माने तो पी कोटेश्वरम की बात को आगे बढ़ाते हुए ही एक रिसर्च जो है वो आगे की गई थी जिसे बोला जाता है मोनेक्स। मोनेक्स, मोनेक्स का मतलब होता है मॉनसून एक्सपेरिमेंट। मॉनसून एक्सपेरिमेंट किया गया था मोनेक्स, जिसे 1972 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो मोनेक्स 1972 में एक मॉनसून एक्सपेरिमेंट था जिसको इंडिया और रशिया ने, तब का क्या था, यूएसएसआर, तब के यूएसएसआर और इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था 1972 में। इसी को फिर जब ये 1972 से लगभग 77 तक इंडिया और यूएसएसआर ही और कुछ और एक दो देश इसके साथ मिलके इस एक्सपेरिमेंट को करते रहे। इसके बाद देखें अगर तो 1979 में जो मोनेक्स था, इस मोनेक्स को बोलाता है मोनेक्स 79 भी बोला जाता है। ये मोनेक्स 79 जो था इसमें विश्व के और बड़े बड़े देश शामिल हो गए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हो गया, इसके अलावा वर्ल्ड वेदर वॉच जो संस्था है वो भी इसमें इंक्लूड हो गई और उन्होंने सबने, देश के, विश्व के बड़े बड़े देशों ने सबने मिलकर के एक इंटरनेशनल एफर्ट किया और इंटरनेशनल जब एफर्ट किया तो वो था पूरा जो दक्षिण एशिया या जो पूरा ये मानसून जो है, इन मानसून, पूरा एशियन मानसून जो है इस पर रिसर्च करना, इसका क्या था, एम था मोनेक्स का। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने कुछ एयरक्राफ्ट यूज में लिए, ठीक है, कुछ एयरक्राफ्ट यूज में लिए, सैटेलाइट भी यूज में लिए, एयरक्राफ्ट यूज में लिए, सैटेलाइट यूज में लिए और इसके अलावा कुछ जलयान भी यूज में लिए इन्होंने, ठीक है। तो इसके इन सबको लेकर के और इन्होंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च में भी ये पाया गया, मोनेक्स रिसर्च में भी ये पाया गया कि जो तिब्बत का पठार है, इस तिब्बत के पठार के ऊपर से जो ये ईस्टर्ली जेट आ रही है ये भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। जिस भी वर्ष में ये तिब्बत के पठार से उत्पन्न होने वाली ईस्टर्ली जेट स्ट्रांग होती हैं, उस वर्ष भारत के ऊपर या पूरे दक्षिण एशिया में जो मानसून विकसित हो रहा है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है और जितने लंबे समय तक ये चलेंगी, ईस्टर्ली जेट जितने लंबे समय तक चलती रहेगी उतने लंबे समय तक ही मानसून जो है वो विकसित रहेगा और इसकी वजह से भारत पर बहुत ज्यादा बारिश होगी और भारत पर बारिश की वजह से यहां पर बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। ये किसमें बताया गया, मोनेक्स, जो मॉनसून एक्सपेरिमेंट है इसमें। इसके अलावा जैसे जिस वर्ष में ये जो ईस्टर्ली जेट है ये वीक होगी, जिस वर्ष में ईस्टर्ली जेट वीक होगी उस वर्ष में मॉनसून भी वीक होगा, साउथ वेस्ट मॉनसून वीक होगा और भारत जो है वो सूखे की स्थिति में आ जाएगा, एक यहां पर ड्राउट की स्टेज बन जाएगी, ठीक है। तो मोनेक्स ने पी कोटेश्वरम की जो संकल्पना थी 1952 में दी गई उसी को इन्होंने, इस मोनेक्स की एक्सपेरिमेंट जो था इसने ताकत दी,
ठीक है दोस्तों, तो ये मोनेक्स को हमने देख लिया जो 1972 में स्टार्ट किया गया था। अब देखिए ये जो पी कोटेशन की जो संकल्पना है ये काफी हद तक सही है, ठीक है, मगर हर संकल्पना में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। पी कोटेशन ने इस संकल्पना को दिया, ठीक है, इसको माना भी जाता है, मोनेक्स ने भी इसको ताकत दे दी, बट यहां पर इसमें भी कुछ कमियां हैं। सबसे बड़ी जो कमी यहां पर आती है वो ये आती है कि पी कोटेश्वरम ये नहीं बता पाए कि भारत में जो मानसून है वो बड़ा अनिश्चित होता है। कैसे? थोड़े दिन तो ये बहुत अच्छा आता है, ठीक है, फिर मानसून में एक लैप्स पीरियड आ जाता है कि थोड़े समय के लिए ये कमजोर पड़ जाता है, इसके बाद मानसून फिर से जोर पकड़ लेता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा हम मान भी लें कि जो पूर्वी जेट प्रवाह जो चल रहा है ये पूर्वी जेट प्रवाह कभी कमजोर हो जाती होगी, जब पूर्वी जेट प्रवाह थोड़े दिन के लिए कमजोर हो गई तो मानसून जो है वो कमजोर हो जाएगा, मगर पूर्वी जेट प्रवाह कमजोर हुआ क्यों, इसका कोई रीजन ये नहीं दे पाए। अगर इसका रीजन ये भी मान ले कि तापमान के कारण पूर्वी जेट प्रवाह बन रही है, सूर्य से आने वाले ताप की वजह से ही तो पूर्वी जेट प्रवाह बन रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि वर्ष के कुछ समय में सूर्य का ताप जून से, और हम सितंबर की जुलाई से सितंबर की बात करें तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि कभी सूर्य का ताप कम मिल रहा है कभी सूर्य का ताप ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो जब सूर्य का ताप समान मात्रा में मिल रहा है तो तिब्बत का पठार समान रूप से गर्म होना चाहिए, जब समान रूप से गर्म होना चाहिए तो हमेशा ही पूरे समर सीजन में ये ट्रॉपिकल जो ईस्टर्ली जेट है वो तेजी से फ्लो करनी चाहिए, और इस वजह से कभी भी साउथ वेस्ट मानसून जो है वो कमजोर पड़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बट साउथ वेस्ट मानसून बीच में अनिश्चित हो जाता है, बटा अनियमित हो जाता है, ठीक है, इसको भी ये इरेगुलरिटी को भी ये अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी पी कोटेश्वरम की तिब्बत के पठार पर भूमि, तिब्बत के पठार की भारतीय मानसून पर प्रभाव की भूमिका, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया कि तिब्बत पठार किस तरह से भारतीय मानसून या दक्षिण एशिया के मानसून को प्रभावित करता है। चलिए तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, हम भारतीय मानसून पर ही हम देखेंगे कि जेट स्ट्रीम क्या इफेक्ट डालती है, कि जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो आपको रेगुलर मिल रहे हैं, और आपके लिए जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम सबको कंपाइल करके भी एक साथ जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इनको सबको कंपाइल करके इंडियन मानसून को डिटेल में वहां भी डिस्कस करेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।